अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं या बाधाएं हैं जो लाख जतन करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, तो आपको इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल मामूली से टोटके या कोई उपाय करने से तुरंत खत्म हो जाती है। ऐसी समस्याएं केवल मेहनत और दुआओं से खत्म नहीं होते, इनके लिए टोटके ही काम आते हैं। तांत्रिकों की माने तो मनुष्य के जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान इन टोटकों से किया जा सकता है, बशर्ते ये टोटके सही समय पर सही ढंग से किए जाएं और इनका किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग न किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टोटकों के बारे में बताएंगे जिनसे न केवल आपकी सभी समस्याएं और बाधाएं दूर होंगी, बल्कि आपके जीवन में सफलता के द्वार भी खुलेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत परेशान हैं, तो आप उसे अपने वश में भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपका प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, बॉस या दोस्त कोई भी हो सकता है। नंबर एक, अगर ऑफिस में आपका बॉस या कोई व्यक्ति आपको बेवजह परेशान करता है और हमेशा आपके काम में गलतियां ही निकालता रहता है, कभी भी आपको आपके काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करता या आपको हमेशा नीचा दिखाता रहता है, तो ऐसे में अपने बॉस और उस व्यक्ति के इस बर्ताव को काबू करने के लिए आप ये अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सफेद रंग का आधा मीटर का कपड़ा लें और उस पर काजल से अपने बॉस या उस व्यक्ति का नाम लिखें। ध्यान रहे, आपको ये नाम अपनी तर्जनी उंगली से ही लिखना है। उसके बाद इस कपड़े को एक छोटी पोटली बनाकर अपने सर से 7 बार घुमाएं और फिर अगली सुबह उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपके बॉस या उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। नंबर दो, अगर आपका जीवन साथी या प्रेमी बहुत ही तानाशाह है और हमेशा अपनी मनमर्जी चलाता है या आपकी कोई बात नहीं मानता, हमेशा आपकी बात काटता है और आपके लाख मना करने पर भी वही काम करता है जिसके लिए आप मना करते हो और हमेशा अपना हुक्म आप पर चलाता है, तो सोमवार के दिन पीली सरसों के दानों को अपने जीवन साथी के सिरहाने रख दें और अगली सुबह इन दानों को एक गमले में डाल दें। फिर रोज सुबह उस गमले में पानी डालें। जब इन दानों से पौधे बनने लगेंगे, तब आपके तानाशाह जीवन साथी का मिजाज नर्म और प्यार भरा होने लगेगा। धीरे धीरे वो आपका सम्मान भी करने लगेगा और आपकी बातें भी मानने लगेगा। नंबर तीन, अगर पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या बहस रहती है, इसके अलावा दोनों में मनमुटाव रहता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है और आप चाहते हैं कि तलाक रुक जाए, तो ऐसे में आपको ये टोटका जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए आपको बरगद का एक हरा पत्ता लेना है। इसके बाद लाल चंदन को गंगा जल में मिलाकर उस बरगद के पत्ते पर व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके बाद पत्ते के ऊपर लाल रंग के गुलाब के फूल की पत्तियां रख दें, फिर इसे बारीक पीस लें। इसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आपने पत्ते पर लिखा था, उसके नाम के जितने अक्षर हैं, उतनी ही गोलियां इस पिसे हुए बुरादे की बनाएं और रोजाना एक गोली को उस महिला या व्यक्ति के गेट के आगे फेंक दें। ऐसा करने से जल्द ही दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो जाएगा और उनका प्रेम बढ़ेगा। नंबर चार, यदि आप शादीशुदा हैं और आपके या आपके जीवन साथी की आपस में नहीं बनती, इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बीच प्रेम खत्म हो रहा है और आप उस पर प्रेम को वापस पाना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले पति अपनी पत्नी के पलंग पर देसी कपूर रखे और यदि कोई महिला अपने पति के लिए टोटका कर रही है तो अपने पति के पलंग पर कामिया सिंदूर रखे। फिर अगली सुबह सूर्योदय होने के समय पति अपनी पत्नी के पलंग पर रखे कपूर को जला दे और इसी तरह पत्नी ने अपने पति के पलंग पर रखे हुए सिंदूर को घर में फैला दे। ऐसा करने पर जल्दी पति पत्नी के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा और उनके बीच प्रेम बढ़ेगा। ये उपाय काफी फायदेमंद और जल्दी असर करने वाला है।